हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रहा है क्लियरली? प्लीज लेट मी नो, आवाज क्लियरली आ रहा है? हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। सबको आवाज आ रहा है क्लियरली? एक बार जल्दी बोल दो फास्ट, सो वी कैन स्टार्ट द सेशन। यस, आवाज आ रहा है क्लियरली बच्चों? ठीक, सो शैल वी स्टार्ट द सेशन? ठीक है, बाकी लोग ज्वाइन होते रहेंगे, 2 मिनट बस, बाकी बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, 2 मिनट बस। ठीक है, अलजेब्रा कवर करने वाले आज, ठीक है ना? बाकी लोग ज्वाइन हो रहे हैं, 2 मिनट वेट करते हैं, अलजेब्रा कवर करेंगे आज, ठीक है ना? अलजेब्रा के क्वेश्चंस एंड थोड़ा फास्ट मेक थ्योरी का रिवीजन भी करेंगे, फास्ट मेक थ्योरी का रिवीजन भी करेंगे हम, ठीक है? स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग, एवरीवन स्टार्ट कर सकते हैं अभी? आवाज आ रहा है क्लियरली? किरण आवाज आ रहा है? बाकी लोग आवाज आ रहा है क्लियरली? शैल वी स्टार्ट द सेशन एवरीवन? ओके, चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक, सी आज अलजेब्रा का टॉपिक हम कवर करने वाले हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लाइक एग्जाम में आराम से 3 साल का स्टैटिस्टिक बचा रहा हूँ। 2020 2020 में आए थे, उसके 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, मतलब लॉगरिथमिक के ऊपर आया था, क्वाड्रेटिक के ऊपर क्वेश्चन आया था। 21 की अगर बात करेंगे तो उसमें भी एक 4 से 3 से 5 के बीच में क्वेश्चन थे, सेट टू सेट अलग था। और लास्ट ईयर भी इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए थे, थोड़े कम थे लास्ट ईयर, बट परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक टॉपिक है इसमें, अलजेब्रा का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर बात करेंगे हम तो पीएनसी जो है उसके ऊपर हर साल क्वेश्चन पूछा गया है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के ऊपर। और क्वेश्चन का जो लेवल था वो भी ज्यादा हार्ड नहीं है, लाइक आप स्टेट बोर्ड का बुक अगर देखोगे 12th का, तो उसपे जो लेवल आया था उसी के लेवल पे हमने क्वेश्चन किए हुए, तो अभी वो भी क्वेश्चन हम देखने वाले, राइट? ठीक है, अभी देखो अलजेब्रा में अगर हम टॉपिक की बात करते हैं तो इतने सारे टॉपिक्स उन्होंने कवर करने के लिए बताया हुआ है, जिसमें से देखो फर्स्ट वन जो होता है जो फंडामेंटल ऑपरेशन है, बोर्ड मास रूल बुलाते, राइट? ठीक है ना, बोर्ड मास पता आपको, बोर्ड मास रूल के बारे में बताया हुआ है, बट इसके ऊपर क्वेश्चन आया नहीं अभी तक। बहुत बेसिक चीज है तो आपको बस पता होनी चाहिए। फैक्टराइजेशन सेकंड कंसेप्ट है, वो भी एक नॉर्मल सा कंसेप्ट है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडाइसेस के ऊपर भी क्वेश्चन अभी तक तो नहीं पूछा था उन्होंने, बट दे कैन आस्क, राइट? लॉगरिथमिक के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना, 2020 में आया हुआ है लॉगरिथमिक के ऊपर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसमें आई थिंक लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था 21 में जीपी के ऊपर, ठीक है, और इस साल भी एक क्वेश्चन था, ठीक है ना, मतलब ये भी 21 में भी आया था, लास्ट ईयर 22 में जो था ना, लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था उसमें भी आया था। बायनोमियल थ्योरम के ऊपर अभी तक नहीं पूछा है कोई प्रॉपर क्वेश्चन। ये वाला जो टॉपिक है पीएनसी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एवरी ईयर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, 20 में भी आया था, 21 में भी आया था, और लास्ट ईयर 22 में भी क्वेश्चन आया था, और 23 में भी एक्सपेक्टेड ये टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो देखो अलजेब्रा अगर आप कर रहे हो, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, टाइम कम है, तो मैं 2-3 टॉपिक सजेस्ट करूंगा। एक तो आप ये देखो सीक्वेंस सीरीज का जो टॉपिक अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन हुआ, और उसके बाद परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये टॉपिक फोकस कर सकते हो। उसके बाद एक्स्ट्रा अगर करना है तो आप क्वाड्रेटिक एंड उसके बाद लॉगरिथमिक, ये 4 टॉपिक्स के ऊपर फोकस कर सकते हो। अगर आपको ये लग रहा है कि सर मतलब शॉर्ट में कौन से टॉपिक कवर करने है, क्योंकि अपने आप में एक एक चैप्टर है, तो उसको करने के लिए भी टाइम अच्छा खासा लगने वाला है। ठीक है, अभी थ्योरी की बात करते हैं एक एक। देखो अभी बोर्ड मास जो पहला आपका फंडामेंटल है, बोर्ड मास, ठीक है ना, क्वेश्चंस बाद में करेंगे, बोर्ड मास की बात कर रहा हूं मैं। तो बोर्ड मास में क्या आपका ब्रैकेट ऑफ, पहले क्या हो रहा है तुम्हारा, बोर्ड मास मतलब क्या हो रहा है बच्चों, बहुत ही बेसिक है, ठीक है, बी फॉर ब्रैकेट है, ओ फॉर ऑर्डर है, बी फॉर डिविजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन, इतना बेसिक है, ठीक है ना, ये सब यूज करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 5 × 5 डिवाइड बाय 5 प्लस 5 एंड माइनस 5, इसका आंसर क्या आएगा, कैन एनीवन टेल मी? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा हुआ आपसे, जल्दी फास्ट आंसर करो। ठीक है, थ्योरी को मैं 15-20 मिनट में पूरा, एक आधे घंटे में मोस्टली, क्योंकि बहुत सारा थ्योरी इसमें, सब कवर करने का ट्राई करेंगे। आफ्टर दैट हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, ठीक है। एनीवन क्या आएगा इसमें, जल्दी बोलो फास्ट।
तनिषा रोहन वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है देखो इसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द रूल क्या होना चाहिए, पहले डिवीजन होना चाहिए। तो डिवीजन क्या आ जाएगा आपका, देखो 5 × 5 क्या हो जाएगा, 5 / 5 इट विल बी 1 प्लस 5 − 5 क्या हो जाएगा, देखो अभी इनको कैंसिल भी कर सकते हैं आप, बाद में कर लेते वैसे भी, फिर मल्टीप्लीकेशन होगा, ये 5 आ जाएगा प्लस 5 − 5 फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो 10 − 5 कितना हो रहा है आपका 5 हो रहा है। दिस इज सिंपल बोर्ड मास फॉर यू, ठीक है ना, ये सिंपल आपका बोर्ड मास है। ठीक है उसके बाद इंडाइसेस की बात करते हैं, तो इंडाइसेस में देखो बच्चों सिंपल सा रूल है, इंडाइसेस बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है। देखो अगर मैं a^x लिखता हूं तो a इज नोन एज बेस, a को क्या बुलाते हैं हम, बेस बुलाते हैं, और x जो आपका इसको हम एक्सपोनेंट बुलाते हैं, इसको एक्सपोनेंट बुलाते हैं, इसको ही क्या बुलाते हैं हम, इंडाइसेस भी बुलाते हैं, ठीक है, या पावर बुलाते हैं, बहुत सारे टर्म रखे हुए हैं, ठीक है ना, पावर इंडाइसेस एंड ऑल। तो उसके जो बेसिक 3-4 रूल है आपको पता होने चाहिए, जिसमें से तो फर्स्ट वन की अगर मैं बात करता हूँ, देखो फर्स्ट वन की अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है 3-4 रूल है जो आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट वन है कि अगर मेरा a^m है * a^m है, नोटिस क्या होगा आपने, बेस क्या आ रहा है सेम आ रहा है, बेस क्या आ रहा है सेम आ रहा है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका a^m + n, a^m क्या हो जाएगा m + n। क्लियर एवरीवन, यहां तक समझ गए, जल्दी आंसर करो, चलो फास्ट, क्या हो जाएगा a^m + n हो जाएगा। ठीक नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका, सेकंड रूल की अगर मैं बात कर रहा हूँ, a^m / a^n है, इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा a^m - n हो जाएगा। थर्ड रूल की बात कर रहा हूँ, देखो ध्यान देना, थर्ड रूल की बात कर रहा हूँ, a^m है, उसका √n है, ठीक है, a का √m है और उसका √n है, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा a^m × n हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट रूल की अगर मैं बात कर रहा हूँ, फोर्थ वन की अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, a^m / b^m, व्हाट इज द डिफरेंस इन फर्स्ट एंड लास्ट वन, फर्स्ट एंड लास्ट में डिफरेंस क्या है बच्चों, देखो फर्स्ट में अगर आप नोटिस कर रहे हो तो आपका बेस सेम था, राइट, बेस सेम था, पावर वॉज डिफरेंट, राइट, पावर डिफरेंट था तो पावर के एडिशन हो गया, यहाँ पे बेस अलग अलग है बट पावर सेम है, तो ये क्या बन जाएगा a/b^m हो जाएगा। नेक्स्ट फिफ्थ की अगर मैं बात कर रहा हूँ, फिफ्थ वन की बात कर रहा हूँ, तो a/b का जैसे √m था ना, तो जैसे वैसे क्या कर रहा हूँ मैं a^m × b^m, तो मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा a^b क्या हो जाएगा m हो जाएगा, सी a^b m हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ, सिक्स वन अगर a^0, anything √0 होता है, कुछ भी बेस हो, ठीक है कुछ भी, कितना भी बड़ा बेस रहने दो, 100 रहने दो, 1000 रहने दो, 1 lakh रहने दो, उसका √ अगर मैं 0 ले रहा हूँ तो आंसर हमेशा क्या आएगा 1 आएगा, आंसर इक्वल टू क्या आएगा हमेशा 1। ठीक है ओके यहां तक क्लियर है। हाँ सिक्स वन देखो, अभी सेवंथ वन, अगर a^x है इज इक्वल टू a^y, अगर बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर को भी क्या होना पड़ेगा सेम होना पड़ेगा, पावर को भी क्या होना पड़ेगा सेम होना पड़ेगा, ये सिंपल सा रूल है। ठीक है क्लियर एवरीवन, यहां तक समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लो, शॉर्टकट में नोट बन जाएंगे आपके, राइट, स्क्रीनशॉट ले लो, शॉर्टकट में आपके नोट बन जाएंगे। ठीक आगे चलते फिर नेक्स्ट टॉपिक पे, यस तनिषा बेस वॉज डिफरेंट, राइट, चलो ठीक है नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन कर रहे हैं अभी, यहां तक क्लियर है सबको, यहां तक समझ गए एवरीवन, आंसर फास्ट चले ओके। ठीक है अभी देखो टॉपिक की अगर बात हो रही है, देखो हमारा फैक्टराइजेशन सिंपल सा, फैक्टराइजेशन में तो मैं आपको थोड़ा रूल्स लिख के देने वाला हूँ, a^2 - b^2 एंड ऑल, वो तो पता है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक है, लॉगरिथम एक, इंडाइसेस तो बता दिया, अभी लॉगरिथम की बात करते हैं, इंडाइसेस एंड लॉगरिथमिक जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है ना, लॉग एंड इंडाइसेस क्या है एक दूसरे से रिलेटेड है। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है ना, इसमें एग्री हो ना सब लोग, 3 का स्क्वायर क्या हो रहा है 9 हो रहा है। ठीक है उसके बाद देखो 4 का क्यूब अगर लिख रहा हूँ तो इज इक्वल टू कितना आ रहा है 64 आ रहा है। अभी देखो 3 का स्क्वायर = 9 आ रहा है, 4 का क्यूब कितना आ रहा है 64 आ रहा है, एक एक्सप्रेशन है, इसको एक लिखने का तरीका है। अब ये जो एक्सप्रेशन है इट इज नोन एज अ एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसे क्या बुलाते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है एक्सपोनेंशियल फॉर्म बुलाते हैं, ठीक है एक फॉर्म है लिखने का। अभी इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ ध्यान देना, इसको कैसे लिख रहा हूँ ध्यान देना, इसको लिख रहा हूं मैं log of 9, क्या लिख रहा हूँ log of 9 to the base 3, जो बेस है वो बेस में आ गया, राइट, जो बेस है वो बेस में आ गया, ये 9 जो था आगे वाला ये इधर आया, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना आएगा 2 आ जाएगा, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरा 2। सेम थिंग सेकंड वाला क्या हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा log of 64 to the base 3 is equal to, sorry, to the base 4
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, थ्री। क्लियर है? लॉग ऑफ 64 टू द बेस 4 इक्वल्स टू 3 इज द राइट आंसर। क्लियर? और एक क्वेश्चन देता हूं, देखो जैसे यहां पे दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज देखो log of 125 to the base 5 equals to क्या आना चाहिए, equals to क्या आना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन है। तो क्या देखो, ये जो फॉर्म दिया हुआ है ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, और ये जो है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स है, राइट? ये वाले दोनों क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स है। अभी हमारा कैसा कि हम स्टार्टिंग से जब से हमने थोड़ा बहुत मैथ्स पढ़ना स्टार्ट किया था, तो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्वेश्चंस किए हुए, तो उसके साथ हम कंफर्टेबल है, इसको हम आराम से कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है, लॉगरिथमिक फॉर्म हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने सुना भी नहीं होता है, ठीक है? तो आपको क्या है कि यहां से यहां तक लेके जाना चाहिए, ठीक है ना? तो कैसे लेके जाएंगे, देखो ध्यान देना, इसमें क्या इक्वल टू हम एक्स ले लेते हैं, इक्वल टू एक्स है ये बेस है, बेस वहां पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 रेस्ट टू पावर एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 125। अभी यहां से लगेंगे लॉज ऑफ इंडाइसेस, 5 रेस्ट टू एक्स एज इट इज, 125 होता है 5 क्यूब, बेस सेम है तो पावर भी क्या होना चाहिए बच्चों, सेम होना चाहिए, तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा, एक्स इक्वल टू आएगा 3 आ जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। क्लियर एवरीवन? चले फिर आगे, ठीक है, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा, ठीक है। और एक सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूं, देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं, ठीक है? दो तीन क्वेश्चन लिख रहा हूं, जल्दी जल्दी कर दो, ठीक है? लॉग ऑफ 81 टू द बेस 27, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, लॉग ऑफ 625 टू द बेस 125। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, लॉग ऑफ 64 टू द बेस 32। चलो ठीक है, करो, चलो फास्ट, तीन क्वेश्चन है आपके सामने, देखते किसका आंसर फास्ट आता है। क्लियर? गो फॉर इट, चलो डू इट फास्ट। क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत सारी रखी हुई आगे, ठीक है ना? बहुत सारे क्वेश्चन हम ऐड करने वाले, जो जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है वो सब कवर करने वाले, तो ये बस एक प्रैक्टिस है आपके लिए, ठीक है? आया किसी का, एनीवन? फर्स्ट वन का आंसर आया? ओके, तनिषा का आया, किरण का आया हुआ है, एक्स इक्वल टू 3 आया पहला। आई डोंट थिंक एक्स इक्वल टू 3 आएगा, मतलब इक्वल टू अगर मैं एक्स ले रहा हूं तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या हो जाएगा मेरा, 27 रेस्ट टू पावर एक्स इक्वल टू क्या आएगा, 81 आ जाएगा। सी 27 मतलब क्या होगा तुम्हारा, 3 का स्क्वायर रेस्ट पावर एक्स, और इधर क्या आ रहा है, थ्री का क्यूब रेस्ट पावर एक्स, और 3 का रेस्ट पावर क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। तो 3 का 3 रेस्ट पावर 3 एक्स इज इक्वल टू 3 का रेस्ट पावर 4 हो रहा है, तो बेस सेम है तो पावर भी सेम होना चाहिए, तो 3x इक्वल टू क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 3x इक्वल टू क्या आ रहा है, 4, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, 4/3, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4/3। दिस इज द फर्स्ट वन, तो 4/3 डिस्कस किसका आया था, सेम है, ठीक है? किरण, रोशन, ओके ग्रेट, चलो गुड। नेक्स्ट सेकंड की तरफ चल रहे हैं, ठीक है, सेकंड की तरफ जा रहे हैं, इसमें इक्वल टू क्या होगा, एक्स होगा, सेकंड वाला करो, चलो तो क्या आएगा, 125 रेस्ट पावर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, 125 रेस्ट पावर क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू कितना हो रहा है, 625 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 625। ये क्या आ जाएगा, 5 का क्यूब रेस्ट पावर एक्स है, और ये क्या आ रहा है, 5 का रेस्ट पावर 4, तो मेरा 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4/3। दिस इज ऑल्सो डन, ठीक है? नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट, ओके चलो ग्रेट, ये वाला भी बना बहुत लोगों का, इक्वल टू एक्स हो जाएगा अगेन, तो यहाँ पे क्या आएगा, 32 रेस्ट पावर एक्स इज इक्वल टू 64। तो 32 रेस्ट पावर एक्स मतलब 32 का कितना है, 2 का रेस्ट पावर कितना है, 2 का 1 2 2 का 2 4, 2 का 3 8, 2 का 4 16, 2 का रेस्ट पावर 5 एक्स है, इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 का रेस्ट पावर 6, तो 2 रेस्ट 5 एक्स इज इक्वल टू 2 रेस्ट पावर 6, तो 5 इक्वल टू क्या हो रहा है, 6 हो रहा है, तो x इक्वल टू क्या आएगा, 6/5, 6/5 क्या आएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है? ओके चलो, वेरी गुड सागर, वेरी गुड, ठीक है? अभी देखो
यहां तक तो क्लियर है सबको, यहां तक कोई डाउट है किसी को? समझ गया बेसिक डेफिनेशन? अरे देखो लॉग की एक बेसिक डेफिनेशन जो है, रूल्स तो लिखने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कि लॉग एक फंक्शन है, फंक्शन चैप्टर में भी रिपीट होगा, बट लॉग एक फंक्शन है तो लॉग को मैं ऐसा लिख रहा हूं, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए, ये डिफाइन होने के लिए, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए डिफाइन होने के लिए या सच होने के लिए, मतलब ये फंक्शन होने के लिए आपके पास दो तीन कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, जिसमें से फर्स्ट कंडीशन है यहाँ पे जो x है, यहाँ पे जो x है, यहाँ पे मतलब जो भी टर्म रहेगा इट मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, मतलब लॉग का जो भी x का वैल्यू दिया जाएगा या यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगा वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। सेकंड जो है ये जो बेस है वो भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। एंड थर्ड केस जो है ये जो a है इट मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू वन, ये क्या नहीं होना चाहिए? वन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? क्लियर हुआ? तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि फाइंड द डोमेन, आपने फंक्शन पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत किसी ने, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। अगर मैं पूछ रहा हूं कि फाइंड द डोमेन ऑफ अ फंक्शन, डोमेन ऑफ अ फंक्शन, ठीक है, लॉग ऑफ एक्स प्लस थ्री टू द बेस एक्स, ये अगर आपको क्वेश्चन आया तो इसका आंसर क्या रहेगा? एनीवन? क्या होना चाहिए इसका आंसर? यस सुमेश, सगळे व्हिडिओ क्रॅश कोर्स मध्ये अपलोड होणार आहे बघा, सगळे जे पण व्हिडिओ होतील ऍज इट इज क्रॅश कोर्स में अपलोड होने वाले, बस ये पहिला व्हिडिओ वापस एक बार बता रहा हूँ, द फर्स्ट व्हिडिओ विल बी ऑन द यूट्यूब लाइव, बाकी सब जो होंगे वो जूम के ऊपर ही होंगे, जूम ऐप के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे लैग हो जाता है, ठीक है ना, रिस्पॉन्स टाइम लैग होता है, मैं बोल रहा हूँ अब 15-20 सेकंड के बाद आप बता रहे हो तो आंसर भी फास्ट नहीं आ रहा है ना, ठीक, तो बाकी सब ये होंगे, बस फर्स्ट लेक्चर हमने इसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक। नाउ हाउ टू डू, ये कैसे करना देखो, ठीक, देखो यहाँ पे जो है इस सामने वाला टर्म क्या होना चाहिए? पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, तो एक्स प्लस थ्री क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन जीरो आएगा, ठीक है, मतलब एक्स क्या है तुम्हारा? ग्रेटर देन माइनस थ्री। सेकंड कंडीशन जो है क्या बता रहा है? आपका जो बेस है एक्स वो भी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो। एंड थर्ड कंडीशन क्या है? कि एक्स शुड नॉट बी इक्वल्स टू वन। अभी देखो इनको मैं साथ में कंबाइन करता हूँ, एंड की कंडीशन है, ध्यान रखना, फिर आगे जाके प्रोबेबिलिटी में भी सीखेंगे कि जब भी एंड आता है, जब भी एंड आता है तो क्या आना चाहिए? इंटरसेक्शन आता है, ठीक है, और जब भी आर और आता है तब क्या आता है? यूनियन आता है, ठीक है, यूनियन आता है। तो इसमें क्या हो रहा है देखो, ये नंबर लाइन है, ये आपकी क्या हो गई? नंबर लाइन। तो इस पे क्या क्या हो रहा है देखो बच्चों, एक चीज क्या बता रही है कि माइनस थ्री के ऊपर होना चाहिए, देखो ये माइनस थ्री है, इसके ऊपर ये वाला पूरा नंबर होना चाहिए टिल इंफिनिटी। सेकंड क्या बता रहा है? थ्री जीरो से बड़ा होना चाहिए। सेकंड का क्या बता रहा है? कि जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो यहाँ पे कहीं पे आएगा उससे बड़ा मतलब ये वाला पूरा आ जाएगा। और आगे क्या बता रहा है? थर्ड कंडीशन क्या है? कि वन नहीं होना चाहिए उसमें, क्या नहीं होना चाहिए? वन, तो वन नहीं आएगा, तो वन पे हमने क्या लग दिया? ओपन सर्कल, मतलब वन इंक्लूड नहीं कर रहे। अभी कॉमन रीजन की जब बात करेंगे तो कॉमन रीजन आपको भी दिख रहा है, ये वाला कॉमन रीजन हो रहा है, सही है, तो एक्स बिलोंग्स टू क्या आएगा मेरा? जीरो से इन्फिनिटी एक्सेप्ट वन, एक्सेप्ट वन, ठीक है, दिस विल बी योर डोमेन, ठीक है, ये बन जाएगा आपका डोमेन, ठीक है, समझ गए, ठीक है, चले आगे, फिर आगे चले, यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है, ओके। नाउ लॉग के रूल लिख रहे हैं, देखो पहला रूल है लॉग में कि अगर मैं लॉग ए इंटू बी ले रहा हूं, मल्टीप्लिकेशन ले रहा हूं टू द बेस सी है, तो इसी को क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ ए टू द बेस सी, अच्छे से लिख लो, इसके ऊपर क्वेश्चन करने वाले हम, ठीक है, लॉग ऑफ बी टू द बेस क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है, मतलब दो नंबर्स का अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो लॉग लगाने के बाद क्या हो जाता है? एडिशन में चले जाता है। सेकंड अगर रूल की बात करें हम, लॉग ऑफ क्या दिया हुआ है बच्चों आपको? ए डिवाइड बाय बी दिया हुआ है टू द बेस सी है, दो नंबर्स का हम डिविजन ले रहे हैं, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? लॉग ऑफ ए टू द बेस सी माइनस लॉग ऑफ बी टू द बेस सी, ठीक है। थर्ड चल रहे हैं, लॉग ऑफ ए रेस्ट पावर एम टू द बेस बी, तो जो पावर है ना बच्चों, पावर वो आगे क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये क्या बन जाएगा? एम ऑफ लॉग ऑफ ए टू द बेस बी, सही है, फोर्थ दिया हुआ है, फोर्थ वन दिया हुआ है, ठीक है, लॉग ऑफ ए टू द बी टू द बेस टू पावर एन दिया हुआ है, मतलब जो बेस है उसका पावर एन दिया हुआ है, तो जो बेस है वो आगे क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है, एन लॉग ऑफ ए टू द बेस क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है, ये चार हो गए।
फिफ्थ रूल दिया हुआ है, फिफ्थ दिया हुआ है लॉग ऑफ ए टू द बेस ए दिया हुआ है, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, ए टू द बेस ए क्या हो जाएगा, वन। सिक्स वन दिया हुआ है, सिक्स वन दिया हुआ है लॉग ऑफ वन टू द बेस ए, वन टू द बेस एनीथिंग कुछ भी हो तो इसका आंसर क्या आता है, जीरो आता है। ऊपर वाले में क्या है, ये दो नंबर से सेम है, देखो फाइव टू द बेस फाइव, हंड्रेड टू द बेस हंड्रेड, सेवन हंड्रेड टू द बेस सेवन हंड्रेड, इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन। वन टू द बेस कुछ भी रहने दो एक्सेप्ट वन और पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या आएगा तुम्हारा, सेवन। चेंज ऑफ बेस थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज ऑफ बेस थ्योरम, चेंज ऑफ बेस थ्योरम क्या बता रहा है, लॉग ऑफ ए टू द बेस बी है, यू कैन चेंज बेस, लॉग ऑफ ए टू द बेस ई डिवाइड बाय लॉग ऑफ बी टू द बेस ई, सही है, ये होगा। और एट वन है इसके ऊपर, जैसे देखो लॉग ऑफ ए टू द बेस बी है तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन अपॉन लॉग ऑफ बी टू द बेस ए। क्या चेंज हुआ, देखो ए टू द बेस बी था ना, एक्सचेंज क्या हुआ, बी टू द बेस क्या हुआ, ए हो गया, क्लियर। चलो नोट डाउन, चलो फास्ट, ओके वो वाला रोहन, ओके चलो ठीक है, वो भी बता देता हूँ। नाइन्थ वन देखो यहाँ पे, नाइन्थ वन देखो, रोहन बोल रहा है तो वो लिख देते, ठीक है। लॉग ऑफ क्या बताया हुआ है यहाँ पे, ए टू द बेस वन बाय ए ऐसा है, इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस वन, और ऐसा भी लिख सकते हैं उसको, लॉग ऑफ वन बाय ए टू द बेस ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा, ओके गुड। चले आगे फिर, यहां तक क्लियर है एवरीवन, यहां तक क्लियर है सबको, शैल वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। अभी लॉग के ऊपर क्वेश्चंस में प्रैक्टिस होगी अभी, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, मैं थ्योरी पार्ट बस कवर करवा रहा हूँ फास्ट फास्ट में, क्वेश्चन में मैंने पूरे मिक्स कर दिए, लेवल ऑफ द क्वेश्चन वो भी उस लेवल का रहेगा, बेसिक क्लियर कर लो आप, ठीक है। और जो वीडियो लेक्चर्स दिए उसमें से भी आप बेसिक क्लियर कर सकते हो आपके लेवल पे, ठीक है। तो देखो अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देखो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये क्या होता है आपका, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन, राइट, वेयर कोएफिशिएंट ए बी सी आर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड सी इज द कांस्टेंट टर्म रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसके दो रूट्स होते हैं, अभी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो उसके रूट्स कितने होते हैं, दो होते हैं, दो रूट्स मतलब क्या बोलते हैं, अल्फा एंड बीटा। अभी उसमें भी क्या है कि जो दोनों रूट्स दिए हुए दे कैन बी रियल ऑल्सो, दे कैन बी नॉन रियल ऑल्सो, मतलब रियल भी हो सकते हैं एंड नॉन रियल भी हो सकते, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर, एक डिस्क्रिमिनेंट करके कॉन्सेप्ट है विच इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाता है, फोर ए सी। तो उसमें तीन केसेस है, फर्स्ट है अगर डी ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो क्या आ जाएगा, रूट्स क्या आएंगे तुम्हारे, रूट्स आर रियल एंड रियल एंड अनइक्वल हो जाएंगे, दोनों ही रियल भी है एंड अनइक्वल भी है। सेकंड केस क्या आता है, डी इक्वल टू अगर मैं जीरो ले रहा हूं तो रूट्स क्या आएंगे, रियल भी आएंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल आ जाएंगे, सही है। द लास्ट वन इज D, अगर मैं लेस देन जीरो ले रहा हूं तो रूट्स क्या आ जाएंगे, इमेजिनरी आ जाएंगे, रूट्स आर इमेजिनरी। 2021 में एक जो क्वेश्चन दिया था उन्होंने, सॉरी 22 में उन्होंने इस पे कॉम्प्लेक्स नंबर पे दिया था जो कि सिलेबस में नहीं है, ठीक है, जो इमेजिनरी का कंसेप्ट है, तो उसकी पॉसिबिलिटी कम आने की, बट उस साल उन्होंने गलती से दे दिया था, बट ठीक है। डी लेस देन जीरो तो रूट्स क्या बन जाते हैं बच्चों तुम्हारे, इमेजिनरी बन जाते, रूट्स क्या बन जाते, इमेजिनरी। यहां तक सही है, ठीक है। अनिकेत क्रैश कोर्स का मतलब देखो ध्यान देना भाई, क्रैश कोर्स वापस बता रहा हूं मैं, क्रैश कोर्स में क्या होगा, जैसे अभी लेक्चर चल रहा है देखो मैथ्स का, तो एक अलजेब्रा का पूरा, अलजेब्रा के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, फॉर्मूला प्लस उसके कंसेप्ट, हाँ पूरे डिटेल में नहीं होंगे, पूरे डिटेल में आपको कोर्स दिया जा रहा है उसमें पूरा डिटेल में दिया हुआ है, आपका टाइम निकाल के वहां से कंसेप्ट और ये सब रिवाइज करवा सकते हो। मैं ऊपर ऊपर से आपको बताने वाला हूँ कि हाँ ये सब पॉइंट्स है, ये सब चीजें कवर होने वाली है, उसके बाद जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, अभी देखो इसमें ऑलमोस्ट मैंने 80 स्लाइड्स ऐड किए हुए, तो 80 स्लाइड्स में सब क्वेश्चंस है विद सॉल्यूशंस, तो आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, तो आप वो वाले क्वेश्चंस भी देख सकते हो, ठीक है ना। तो उतने सब क्वेश्चंस है, अगर आप लास्ट में इतने सारे क्वेश्चंस भी कर रहे हो क्रैश कोर्स में जितने हो रहे, तो भी आपके चांसेस है कि मैथ्स में आप आराम से 15-16 अटेम्प्ट कर लो, क्योंकि अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हुए हार्ड लेवल के, आपको अभी समझने में भी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि अच्छे खासे क्वेश्चंस ऐड किए हुए हमने,
तो वो सारे क्वेश्चंस भी आप करके जाओगे तो आराम से 15 प्लस, मतलब मैथ्स में 15 का अटेम्प्ट जो होता है ना बहुत अच्छा माना जाएगा एमसीए के लिए। आप चाहो तो 2-3 साल के जो बच्चे उनको से बात कर लो, मैथ्स में अगर आप चाहो तो 15 का भी अटेम्प्ट कर रहे हो तो भी आपका अच्छा अटेम्प्ट हो रहा है। रीजनिंग में 25 का होना चाहिए, इंग्लिश में 12-13 का, और कंप्यूटर में वही 13-14 का। जितना भी अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हो ना, मतलब सही से अटेम्प्ट, मतलब ये नहीं कि बस तुक्के मार के आ रहा, कि सही अटेम्प्ट होना चाहिए, तो 40, और यहाँ पे ये दोनों मिला के कितने हो रहे, 15 और 25 हो रहे, तो ऑलमोस्ट 60-65 प्लस अटेम्प्ट, मतलब आपका तो आराम से VGLT या SPIT निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। तो अगर आप मतलब अटेम्प्ट माना जाएगा अगर आप अच्छे से कर रहे हो तो डी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0 एंड डी लेस देन 0, ये 3 चीजें हो गई, ठीक है। इसमें इमेजिनरी माना जाएगा। अब इसमें जो दो रूट्स होते हैं, रिलेशन बिटवीन बता रहा हूं मैं इसमें, ठीक है, ये कंसेप्ट तो क्लियर हुआ। अभी देखो रूट्स फाइंड करने के 3 मेथड है। एक फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन आपको आता होगा सबको, ठीक है ना। लास्ट टर्म को क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, x² + 3x + 2 है, तो इसके फैक्टराइजेशन हो जाएंगे x+1 एंड x+2 = 0, ठीक है। सेकंड आता है फॉर्मूला मेथड, ये हमेशा काम में आता है, ठीक है, ये आपको पता ही होना चाहिए। फॉर्मूला मेथड ये आपको पता ही होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है और काम में भी आएगा हमेशा। तो अल्फा एंड बीटा जो रूट है, इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, -b + -√ √b² - 4ac/2 है, क्लियर है, ये हो जाएगा, क्लियर है आपका। कोई डाउट किसी को? मेगा व्हाट आर यू आस्किंग? सर अल्जेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। यस यस, ट्रिग्नोमेट्री के तो लास्ट ईयर 5 क्वेश्चन आए थे बेटा, तो वो तो इंपॉर्टेंट है बहुत। ट्रिग्नोमेट्री के तो हर साल क्वेश्चन आते हैं, वो तो इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है ना, ठीक है। So, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -b + -b² - क्या हो जाएगा, 4ac/2 क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ठीक है। अभी इसमें और एक रिलेशन बिटवीन है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा आपका, -b/a आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -b/a। अल्फा बीटा क्या हो जाएगा आपका, c/a हो जाएगा। अल्फा बीटा क्या हो जाएगा आपका, c/ba आ जाएगा। क्लियर एवरीवन, गॉट इट यहाँ तक, ठीक है। रिलेशन बिटवीन रूट से अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -b/a, अल्फा बीटा होता है आपका c/a, ये पता ही होना चाहिए आपको, ठीक है, ये बेसिक्स है। चले आगे, ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको, ठीक है। अभी देखो क्वाड्रेटिक में और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर आपको रूट दिया हुआ है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है f(x)² + bx + c। अभी देखो इसके दो रूट मतलब क्या होता है, देखो इसके अगर मैं बोल रहा हूँ कि दो रूट्स रियल है अल्फा एंड बीटा, रूट्स का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान देना, व्हाट इज मीन बाय रूट। रूट मीन्स व्हेन द कर्व कट्स एक्स एक्सिस, जितनी बार कर्व आपका एक्स एक्सिस को कट करेगा उतना क्या रहेंगे, उसके रूट्स रहेंगे। जैसे देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कर्व ये एक्स एक्सिस है आपका, राइट है, एक्स एक्सिस है ये कर्व, जो एक बार कट कर रहा है तो इसका एक रूट आएगा, सही है। ये कर्व जो है दो बार कट कर रहा है तो इसके कितने रूट्स आएंगे, दो आएंगे, सही है। ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 3 बार, 1, 2 एंड 3, तो रूट्स कितने आएंगे, 3 आएंगे, सही है। तो जब मैं क्या बोलता हूँ कि इसके दोनों के दोनों रूट्स रियल है, ठीक है, ध्यान देना, इसमें दो चीजें होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है ये पैराबोला शेप होता है, क्या शेप होता है, पैराबोला, ये ऐसा शेप जो होता है पैराबोला होता है। तो ये पैराबोला ऐसा आएगा या ऐसा आएगा, अपवर्ड शेप, सॉरी अपवर्ड फेसिंग एंड डाउनवर्ड फेसिंग, ये डिसाइड कौन करता है, ये डिसाइड कौन करता है, ए डिसाइड करता है, ये जो ए है ना, ये वाला ए, ये डिसाइड करता है। तो अगर मेरा ए ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड फेसिंग आएगा, डी लेस देन 0, सॉरी ए लेस देन 0 तो क्या आएगा, डाउनवर्ड फेसिंग। ए पॉजिटिव तो अपवर्ड फेसिंग आएगा, ए लेस देन 0 तो क्या आएगा, डाउनवर्ड फेसिंग। सिंपल सा कंसेप्ट है, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है, ज्यादा क्लियर है। So, देखो अभी एक्स एक्सिस को कट कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो किसके ऊपर डिपेंड है, रूट्स के ऊपर। अगर दोनों रूट्स रियल है, देखो ध्यान देना, x² + > 0, a लेस देन 0 है, दोनों रूट्स रियल है। रूट्स रियल कब आते हैं, अभी देखा था हमने डी ग्रेटर देन 0 पे, अभी देखा था ना डी ग्रेटर देन 0, तो दोनों रूट्स रियल है, मतलब एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, 2 बार, कैसा रहेगा, अपवर्ड फेसिंग, तो बाय डिफॉल्ट ऐसे बन जाता है, सही है। ये पहला केस बना। सेकंड में क्या है, ए ग्रेटर देन 0 है और हमने क्या बोला कि एक ही रूट है, एक ही रूट है, मतलब क्या हो जाएगा, डी क्या जाएगा, तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाएगा। मतलब क्या करके जा रहा है, टच करके जा रहा है ऐसे, बस एक बार ही क्या करेगा, टच करेगा, सही है। और थर्ड केस क्या है, ए ग्रेटर देन 0 है बट रूट्स क्या, इमेजिनरी, इमेजिनरी मतलब एक्स एक्सिस को देर इज नो रियल रूट,
रियल रूट नहीं है, मतलब क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर ही रह रहा है, टच भी नहीं कर रहा है, समझ में। ये थर्ड केस बनेगा। क्लियर है यहां तक? यहां तक डन एवरीवन? देखो सिंपल सी बात है, जितनी बार कट करेगा उतने रूट्स रहेंगे। ये एक्स एक्सिस, ये तुम्हारा क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस बताया हुआ है मैंने यहाँ पे, सही है। ये तुम्हारे सब क्या है, एक्स एक्सिस है, सही है ना। जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने नंबर ऑफ क्या रहेंगे, उसके रूट्स रहेंगे, ठीक है। शैल वी कंटिन्यू? यहां तक समझ गए? ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जितना भी इंफॉर्मेशन था, अभी देखो क्वेश्चंस के लिए अप्रोच अलग रहेगा, हर एक क्वेश्चन के लिए अलग रहेगा, ठीक है। तो उस टाइम पे वो कॉन्सेप्ट मैं रिवाइज कर दूंगा, बट एज ऑफ नो इतना इंफॉर्मेशन आपको बेसिक्स क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। अभी आएगा नेक्स्ट आपका, ये देखो अभी क्या क्या कर चुके ये भी देखते एक बार, ठीक है। एक मिनट देखो, इसमें से क्या क्या हो चुका है अपना, फंडामेंटल ऑपरेशन हो चुका है, सही। इस पर बेसिक्स कवर कर चुके हम, फैक्टराइजेशन तो सिंपल होता है, जान दो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो चुका है, इंडेक्स हो चुका है, लॉगरिथमिक बता दिया। अभी नेक्स्ट आएगा सीक्वेंस सीरीज, उसके फॉर्मूलाज बता देते एक बार, ठीक है, सीक्वेंस सीरीज के, ठीक है। देखो सीक्वेंस सीरीज में मेनली तीन टॉपिक आते हैं आपका, जब भी सीक्वेंस सीरीज की बात कर रहे हो सीक्वेंस की, ठीक है, तीन प्रोग्रेशन आते हैं। सबसे पहला आएगा आपका, सबसे ऊपर जो होता है, जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अर्थमैटिक प्रोग्रेशन होता है। क्या होता है? अर्थमैटिक प्रोग्रेशन। सेकंड क्या आएगा आपका? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। थर्ड क्या आएगा? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और लास्ट वन क्या आएगा? अर्थमैटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मिस नहीं करना है कोई है। और लास्ट में मिसलिनियस सीरीज होते हैं, उसके भी मैंने क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं, ठीक है ना, मिसलिनियस सीरीज करके, मिसलिनियस सीरीज। तो ये मिसलिनियस सीरीज मतलब सीक्वेंस होता है, बट इनमें से कुछ नहीं आएगा, मतलब एपी जीपी एचपी में से कुछ नहीं आएगा, कुछ और सीक्वेंस रहेगा, उसको हम मिसलिनियस सीरीज बुलाते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते, पहले एपी के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो एपी का मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, और उसके बाद क्या क्या फॉर्मूलाज वो भी देखेंगे। देखो एपी अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो देखो 2, 4, 6, 8, 10, ये 10th में पढ़ा हुआ है हमने, राइट। अगर आप इस चीज में, इस सिक्वेंस में एक चीज नोटिस कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, इसमें जो टर्म्स है 2, 4, 6, उनका जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, डिफरेंस क्या आ रहा है तुम्हारा, कॉन्स्टेंट आ रहा है। डिफरेंस क्या आ रहा है? कॉन्स्टेंट, विच इज 2, ठीक है। तो जो कॉमन डिफरेंस होता है, इट इज डिनोटेड बाय डी, एंड द फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय ए। फर्स्ट टर्म डिनोटेड बाय ए, कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय डी, एंड द फर्स्ट टर्म जो सीक्वेंस की होती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। तो उसमें जो जनरल टर्म है, ध्यान देना, जनरल टर्म मतलब कोई भी टर्म। अभी देखो जैसे जनरल टर्म में अगर मैं बात कर रहा हूँ, देखो ध्यान देना, दिस इज योर फर्स्ट टर्म, ठीक है। जनरल टर्म मतलब क्या होता है ये भी बताता हूँ। ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म है, ये तुम्हारा सेकंड है, मतलब टर्म वन टर्म टू, ठीक है ना। जनरल टर्म, टर्म वन टर्म टू टर्म थ्री टर्म फोर टर्म फाइव एंड सो ऑन, हर टर्म फाइव है। उसके बाद क्या आएगा, टर्म सिक्स आएगी, टी सिक्स मतलब टर्म सिक्स। तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, टी एन, एन की जगह कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 5, 6 up to 10 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1b। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, फाइंड द 7th टर्म, फाइंड 20th टर्म, फाइंड 18th टर्म, तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए आपका, ए प्लस एन माइनस 1d, ठीक है। उसके बाद आता है आपका जनरल टर्म के बाद आता है सम ऑफ द एन टर्म्स, सम ऑफ द एन टर्म्स। एन टर्म्स का क्या करता है, हम सम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो सम ऑफ द एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा, एस एन इज इक्वल टू n by 2, सही है, n is the number of terms, जितने terms का हमें sum find out करना है, is equal to 2a plus n minus 1d, 2a plus n minus 1d, d again common difference, इनमें जो difference आया रहा, there is a common difference, ठीक है, sum of the n terms। उसके बाद देखो अगर मैं 3 terms in AP की बात कर रहा हूँ, 3 terms in AP, अगर आपको बोला कि AP में 3 terms दिए हुए, तो they are considered as, वो क्वेश्चन के टाइम समझ में आएगा, एज अपना नोट डाउन कर लेना, ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी, ठीक है, ये तीन टर्म्स ऑफ इन एपी होंगे, ठीक, ओके। उसके बाद ज्योमेट्रिक में अर्थमैटिक मीन एक होता है, अर्थमैटिक मीन ए एम से डिनोट करते हैं, अर्थमैटिक मीन। अगर देखो ए बी सी तीन टर्म्स में ले रहा हूं, एपी में ए बी सी तीन टर्म्स किस में आ रहे हैं, एपी में, देन वी कैन से दैट बी अपॉन ए, सॉरी We can say that b minus a is equal to क्या होगा, c minus b, मतलब b minus a का जो subtract difference आएगा वही किसका आएगा, c minus b का। तो 2b is equal to क्या हो रहा है तुम्हारा, a plus c, ऐसा, ठीक। ये सब AP के formulas हैं, जिसमें पूरा arithmetic progression cover हो जाएगा आपका, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है।
इसी फॉर्मूले के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। नोट आउट, नोट डाउन करके हो गया, आगे चल सकते फिर। एवरीवन आंसर फास्ट, चलो चलो, ग्रेट, ओके। अभी एपी के बाद नेक्स्ट क्या आएगा आपका, जीपी आ जाएगा। नेक्स्ट वन से जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अभी देखो एपी आपके टेंथ के सिलेबस में, जीपी अगर आपको थोड़ा बहुत देखना है तो इलेवंथ के टेक्स्ट बुक में सीक्वेंस सीरीज का चैप्टर है, इलेवंथ का साइंस का बुक डालो या कॉमर्स का, दोनों में आपको मिल जाएगा वो, ठीक है। तो जीपी चैप्टर है, जीपी में क्या देवा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखो जैसे ध्यान देना, टू, नेक्स्ट हमारा फोर, फोर टू जा एट, एट टू जा सिक्सटीन, सिक्सटीन टू जा 32, 32 उनको क्या बुलाते हैं, कंसेक्यूटिव टर्म्स बुलाते हैं। जैसे देखो ये दोनों टर्म्स हो गए, रैंडमली चूज किया तो मेरा क्या होगा, नेक्स्ट टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म, मतलब 64 डिवाइड बाय 32 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। जैसे इन दोनों को लिया, 8 डिवाइड बाय 4 कितना आएगा, 2 आएगा। आप देख रहे हो ना जो रेशियो आ रहा है कंसेक्यूटिव टर्म्स का, जो रेशियो आ रहा है विच इज कांस्टेंट, रेशियो इज अ कांस्टेंट। तो रेशियो कांस्टेंट होता है। एपी में क्या कांस्टेंट था बच्चों, एपी में क्या कांस्टेंट था, डिफरेंस कांस्टेंट था, डिफरेंस समझ लो, ठीक है। एपी में क्या कांस्टेंट था, डिफरेंस, उसमें सिक्वेंस क्या होता, 2, 4, 6 होता, 8 नहीं होता, फिर 8, फिर 10, फिर 12, ऐसा सिक्वेंस चला जाता। इसमें क्या हो रहा है, डबल होता जा रहा है, देखो 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, नेसेसरी नहीं है कि डबल ही होना है, मतलब सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। जैसे देखो 1 है, फिर 3 है, फिर 9 है, फिर 27, 27 है, फिर क्या आएगा 81 है। तो इसमें क्या आएगा तुम्हारा, देखो 81 डिवाइड बाय, सॉरी नाउ 27 3 जा 81 ना, बराबर है, 81 डिवाइड बाय 27 इक्वल्स टू कितना आएगा, 3 आएगा। इस केस में रेशियो कितना आया, 3 आया। इस केस में रेशियो कितना आएगा, 3 आएगा, क्लियर। तो रेशियो डिनोटेड बाय आर, आर से रेशियो डिनोट करते हैं, रेशियो 2 लिया था ना पिछले केस में, और फर्स्ट टर्म अगेन ए से डिनोट करते हैं। तो इसमें भी जो जनरल टर्म है टी एन इज इक्वल टू क्या आएगा, ए आर रेस्ट पावर एन माइनस वन। इसमें भी फर्स्ट टर्म जो टी एन जो है, दैट विल बी इक्वल टू क्या आएगा, ए आर रेस्ट पावर एन माइनस वन। और एस एन जो है, एस एन इज इक्वल टू क्या आएगा, ए आर रेस्ट पावर एन माइनस वन डिवाइड बाय आर माइनस वन, डिवाइड बाय आर माइनस वन, वेर आर इज, आर इज ग्रेटर देन वन। और सेकंड एस एन इक्वल टू क्या आएगा, ए 1 माइनस आर रेस्ट पावर एन डिवाइड बाय 1 माइनस आर। तो यहाँ पे क्या आएगा, आर लेस देन 1 आएगा, आर क्या आएगा, लेस देन 1, क्लियर। लेस देन 1 के लिए ये फॉर्मूला, ग्रेटर देन 1 के लिए ये फॉर्मूला। और इसमें एक और एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो यूज करते हैं, यस इन्फिनिटी का होता है, ठीक है। क्वेश्चन में समझाऊंगा उसमें, डोंट वरी, ठीक है। ए डिवाइड बाय 1 माइनस आर, ए इज द फर्स्ट टर्म, आर इज द कॉमन रेशियो। बट इसमें एक चीज याद रखना है, यहाँ पे जो आर होगा इट मस्ट बी लाइज बिटवीन माइनस 1 टू 1। छोटे छोटे चीजें लिख के दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना, हर एक बोर्ड पे लिखी हुई हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर मस्ट बी लाइज बिटवीन माइनस 1 टू 1, ठीक है। मतलब आर की जो वैल्यू है बच्चों, ये इसके बीच में होनी चाहिए, ठीक है, माइनस 1 टू 1 के बीच में होनी चाहिए, क्लियर है यहां तक। इसमें भी तीन टर्म्स की जब बात होगी, तीन टर्म्स की जब बात होगी, वो क्या आएगा, ए अपॉन आर, ए एंड ए आर हो जाएंगे, थ्री टर्म्स, ठीक है, थ्री टर्म्स। और वही जीपी की बात होगी, तो अगर मैं एबीसी, एबीसी किस में ले रहा हूँ, जीपी में ले रहा हूँ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो मेरा बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, एसी आएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, एसी। एक नोट डाउन कर लेना, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, एसी आएगा। दिस इज द कंप्लीट अबाउट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। क्वेश्चन के टाइम पे कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज होगा एंड ऑल ये बताऊंगा आपको, बस एज ऑफ नाउ फॉर्मूला एंड कंसेप्ट समझ लो, ठीक है। आगे चले नेक्स्ट इस पर, मेगा हमारा जो अलजेब्रा है ना एमसीए का, उसमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है, ट्रिग्नोमेट्री उन्होंने अलग सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हारे तीन चैप्टर्स दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन, उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, एंड उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस। तो ये 4 टॉपिक है, तो हम उनको अलग से कवर करते हैं, इसमें कवर नहीं करते हैं, ये अलजेब्रा में ये इतने टॉपिक्स है, ट्रिग्नोमेट्री पूरा अलग से टॉपिक पड़ता है, ठीक है, उसको अलग से ट्रिग्नोमेट्री को कवर किया जाएगा। अभी अलजेब्रा 3-4 लेक्चर चलेगा, बिकॉज बड़ा टॉपिक है, ऑलरेडी मैंने बताया था, एक बार थ्योरी कवर हो जाएगा तो बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, ठीक है। आगे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे देखो एक ये वाला क्वेश्चन, चलो ट्राई करते, थोड़ा भी थ्योरी हो गया,
आज थोड़े क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, ठीक है। जैसे दिया हुआ, देखो अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, देन वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। चलो दो, आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूँ, देखते कितने लोगों का बनता है। चलो डू इट फर्स्ट। क्वेश्चन दिख रहा है ना सबको? क्वेश्चन दिख रहा है क्या? बोला हुआ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू दिया हुआ है, देन वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। चलो ग्रेट, दिख रहा है क्वेश्चन ये क्या आएगा। ये पीडीएफ भी आपके साथ जैसे होगा मैं शेयर कर दूंगा, विद सॉल्यूशंस दिया हुआ है पूरा, ठीक है ना। सो कोई इश्यू नहीं है, और सब वैरायटी के क्वेश्चन ट्राई किए भाई कवर करने के, ठीक है, ऑल वैरायटीज। और मिक्सअप किए हुए अलजेब्रा के जितने भी क्वेश्चन है, बीच में क्वाड्रेटिक आएगा, पीएनसी आएगा, इंडाइसिस आएगा, लॉगरिथमिक आएगा, तो आपको भी क्या हो जाएगा, जो रैंडमनेस है ना अभी जो पेपर होने वाला है उसमें भी सब क्वेश्चंस मिक्स आने वाले हैं, तो वो भी थोड़ा आपको प्रैक्टिस के टाइम पे थोड़ा आइडिया हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एनीवन, किसी का भी नहीं आया? देखो सिंपल सी बात है, अल्फा एंड बीटा के बीच में रिलेशन निकालना, क्वेश्चन क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू दिया हुआ, इक्वल टू क्या, जीरो है। तो सिंपल है मेरा कि अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस पी आएगा, एंड अल्फा बीटा क्या आएगा मेरा, क्यू आ जाएगा। ये समझा कैसे है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो होता है ना। ए वन है, बी पी है, एंड सी कितना है तुम्हारा, क्यू है, तो माइनस बी अपॉन ए होता है, याद है, और सी अपॉन ए होता है यहाँ पे, ए कितना आ रहा है, वन आ रहा है, इसलिए। अभी देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ध्यान देना है यहाँ पे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कैसे लिख रहा हूं मैं, कैन वी राइट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। एनी वन कैन वी राइट दिस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, ऐसा क्यों लिख सकते? देखो इसका एक्सपेंशन करके क्या होगा, ए प्लस बी का ब्रैकेट स्क्वायर क्या होता है, बेसिक फॉर्मूले याद ही होने चाहिए, ए प्लस बी का ब्रैकेट स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, राइट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा, माइनस टू अल्फा बीटा प्लस टू बिल अल्फा बीटा, कैंसल, बचा गया, सही है। अब इसमें सी ए पुट कर देते, यहां पे क्या आएगा, माइनस पी का स्क्वायर माइनस टू क्यू, क्या हुआ, पी स्क्वायर माइनस टू क्यू, विच ऑप्शन इज राइट, विच ऑप्शन इज राइट, पी स्क्वायर माइनस क्यू, वेरी गुड किरण, वेरी गुड, माइनस पी स्क्वायर माइनस टू क्यू ना किरण, पी स्क्वायर माइनस टू क्यू ना बेटा, क्लियर, which one is right, p square minus 2q, option 2 is the right answer, okay, second option, very good Tanisha, chalo, theek hai, aage chale everyone, next, see, are the root equation x square minus p x plus q equals to 0, sum of the roots equals to alpha plus beta is equal to minus p, product of the roots kya ho jayega, alpha beta is equal to q ho jayega, ye uska solution hai, jaise humne abhi kiya hua hai, theek hai, next question ki taraf move karte hain, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स प्लस फोर इज अ फैक्टर ऑफ द फैक्टर ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस एट, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, के का वैल्यू पूछा उन्होंने, यस एनीवन कैसे करेंगे, कुछ आइडिया क्या क्या हुआ है, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस, देखो पहली चीज समझ लो, रूट का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान देना, एक कंसेप्ट बता रहा हूं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, मैंने मान लो एक्स प्लस फोर लिखा हुआ है, तो इसको मैंने क्या बोला कि एक्स इक्वल्स टू माइनस फोर, ठीक है, और इज अ रूट ऑफ इक्वेशन, इज अ रूट ऑफ इक्वेशन, ठीक है, ध्यान देना रूट एंड फैक्टर्स में डिफरेंस, देखो रूट ऑफ इक्वेशन है मतलब क्या करेगा, ये उसको सेटिस्फाई करेगा, ये उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग एक्स की जगह माइनस फोर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसी पर को रूट कैसे बुलाते, देखो जैसे देखो ध्यान देना, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू क्या हो रहा है, जीरो, तो इसके फैक्टर्स क्या आते हैं बच्चों, फैक्टर्स क्या आते हैं, एक्स प्लस टू एंड एक्स प्लस वन, ये दोनों फैक्टर्स है, एंड एक्स इक्वल टू माइनस वन एंड माइनस टू, ये उसके क्या है, रूट्स है, ये दोनों रूट्स है, ये उसके क्या हुआ है, फैक्टर हो गए, ये रूट्स हो गए और ये क्या हो गए, फैक्टर हो गए, समझ गए ना, फैक्टर से रूट निकालते, इसको इक्वल टू जीरो कर दो रूट्स मिल जाएगा, इसको इक्वल टू जीरो कर दो क्या मिल जाएगा, रूट मिल जाएगा, सिंपल सी बात है, तो माइनस वन माइनस टू क्या हो गए, उसके रूट्स हो गए, रूट इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाई करना मतलब सिंपल सी बात क्या होती है, राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड,
आरएचएस में ये वैल्यू है, सबस्टिट्यूट करेंगे एलएचएस में, क्या तुम्हारा जीरो है, तो ये पुट करने के बाद क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो जैसे इस क्वेश्चन में अगर मैं बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन में क्या दिया था वहां पे, एक्स प्लस फोर इज अ फैक्टर, एक्स प्लस फोर इज अ फैक्टर मीन एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, माइनस फोर इज अ रूट। समझ में आया, एक ही सेंटेंस में आ रहा है, एक्स प्लस फोर अगर फैक्टर है तो ऑफकोर्स एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, माइनस फोर क्या होना चाहिए, रूट होना चाहिए। किसका रूट होना चाहिए, किसका रूट होना चाहिए, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस एट का, सही है, इक्वल टू जीरो। सही है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग, आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग क्या सब्स्टिट्यूट करने के बाद, माइनस थ्री सब्स्टिट्यूट करने के बाद आंसर क्या आएगा, जीरो, सॉरी माइनस फोर सब्स्टिट्यूट करने के बाद आंसर क्या आएगा, जीरो, के इंटू माइनस फोर प्लस एट इक्वल टू क्या हुआ, जीरो। तो फोर सिक्सटीन थ्री जा सो बत्तीस होते काटे जा फोर्टी एट, माइनस फोर के प्लस एट इक्वल टू क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो फोर के इक्वल टू कितना आएगा, फोर्टी एट प्लस एट कितना हो जाएगा, फिफ्टी सिक्स। तो के क्या आएगा तुम्हारा, चार एक चार, चार चक सौ फोर्टीन आ रहा है, किसी का आया किसी का, ओके चलो किरण वेरी गुड, किरण सिंह 14 एंड आई थिंक दैट विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन फोर विल बी द राइट आंसर। और किसी का आया था, एनीवन? चलो ठीक है, आगे कंटिन्यू करते क्वेश्चन में। ठीक देखो, एचपी पढ़ना बाकी हमारा, दो कंसेप्ट पढ़ चुके बस, वेरी गुड, नेचर भी देखे, ओके चलो ग्रेट। नेक्स्ट सॉल्यूशन दिया हुआ है ऑलरेडी आपको, ठीक है चलो। नाउ ये वाला क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज वन, ठीक है क्वेश्चन बता रहा हूं, रूट्स के बीच में जो डिफरेंस है, रूट्स के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या दिया हुआ है, वन दिया हुआ है। द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स इज वन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा इसमें से करेक्ट आएगा, चलो करो डू इट फर्स्ट। क्या बोला हुआ है यहाँ पे, जल्दी आंसर करो, क्या बोला हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स मतलब अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है, वन दिया हुआ है, सही है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ओके सी, अल्फा माइनस बीटा अगर वन दिया हुआ है, ये ऐसा कंडीशन पढ़ा है क्या आप लोगों ने, ये वाला कितने लोगों ने पढ़ा है बता दो एक बार। हाँ ऐसा ध्यान देना, ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर माइनस फोर ए बी, ये आप में से किसी को पता है कि ये वाला फॉर्मूला, चलो पहले चीज तो ये सही लिखा है या कि गलत लिखा है ये बता दो मुझे, जल्दी बोलो फास्ट, पता है सबको ये वाला, सही है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जस्ट चेंज क्या होगा, बस यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा। हमेशा याद रखो अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा टर्म्स आने चाहिए जब भी ये रूट्स के बारे में कुछ बोला है, जिसमें से अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा क्या आएगा, सी अपॉन ए, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करके क्या होगा, देखो सॉल्व कर रहा हूँ नीचे में, और इसकी जगह अल्फा माइनस बीटा किस जगह क्या आ जाएगा तुम्हारा, वन आ जाएगा इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या आ जाएगा तुम्हारा, माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी माइनस फोर अल्फा बीटा की जगह क्या आएगा, सी अपॉन ए आ जाता है, बस सॉल्विंग का पार्ट बचा हुआ है, वन इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस फोर सी अपॉन ए, एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना मतलब क्या होता है, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करो, ए से, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बन जाएगा, राइट, ए स्क्वायर कॉमन है तो बनेगा क्या, वन इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाय ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो रहा है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ऐसा कोई ऑप्शन दिखा रहा है वहां पे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ए स्क्वायर इक्वल टू ऑप्शन सेकंड एक है, बट वो माइनस नहीं है प्लस है ना, और ये भी है उसमें भी प्लस है। ओके देखो ये दोनों ऑप्शंस तो वैसे ही कट हो गए क्योंकि बीच में माइनस एक्सपेक्टेड था प्लस दिया हुआ है वहां पे, ये दोनों तो नहीं ले सकते, सही, और कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट में तो बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये माइनस फोर ए सी इधर से शिफ्ट करके यहाँ पे कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस फोर ए सी इज इक्वल टू क्या हो रहा है, बी स्क्वायर हो रहा है। हाँ तो बी स्क्वायर इक्वल टू प्लस तो दोनों दिखा रहे हैं, तो दोनों में से इसमें से कॉमन ए आ रहा है, ए कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस फोर सी,
इज इक्वल टू क्या हुआ बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है ए प्लस फोर सी विच इज ऑप्शन ए राइट, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। यस तनिषा वेरी गुड, नोट डाउन करके हो गया एवरीवन डन, चलो आगे चल रहे ठीक। इसका भी सॉल्यूशन दिया हुआ है लास्ट में, सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इन ब्रैकेट ए प्लस फोर सी ठीक। सॉल्यूशंस आपको हर एक स्लाइड में प्रोवाइड किए जाएंगे और स्लाइड भी शेयर करेंगे किए जाएंगे आपके साथ, डोंट वरी अबाउट इट ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी देखो ये जो क्वेश्चन है ये सब मैंने इसके ऐड किए हुए हैं आपको, पीएनसी के, पीएनसी के अच्छे खासे क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं, मैंने ऑलरेडी बताया था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठीक। ओके जस्ट वन मिनट, पीएनसी के बाद जो है सब टाइप के कवर किए मैंने, अभी इसके कर दे थोड़े बहुत, जस्ट वन मिनट, उसके ज्यादा क्वेश्चन है शायद, हाँ ये वाला ठीक रहा है हाँ। ओके ये वाला पीएनसी का बोलो कैसे करना है। हाँ यस डायरेक्ट होता है बेटा, बट हर कोई वो डायरेक्ट याद नहीं रखता ना, इसलिए मैंने वो बताया हुआ है, वो तो ठीक है वो तो बनाया जा सकता है, उतना कोई बड़ी बात नहीं ठीक है। 1 2 3 अप टू 49 दिया हुआ है, 50 से दिया हुआ। देखो अभी यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखो, सम ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर, मैं वापस बता रहा हूँ बहुत सारे कंसेप्ट ऐसा है मैंने क्वेश्चन जानबूझ के ऐड किए हुए सो दैट वो कंसेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊ ठीक है। सम ऑफ द फर्स्ट यन नेचुरल नंबर, मतलब अगर फर्स्ट यन नेचुरल नंबर का सम लेना चाहते हो तुम ना 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन अप टू कुछ पर्यंत यन पर्यंत अप टू यन तक क्या हो जाएगा, यन इंटू यन प्लस वन बाय टू हो जाएगा ठीक है। वो स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट यन नेचुरल नंबर बोला, स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू 3 स्क्वायर अप टू यन स्क्वायर ठीक है। क्या आएगा यन इंटू यन प्लस वन इंटू टू यन प्लस वन बाय कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + so on n क्यूब इज इक्वल टू कितना आ जाएगा n इंटू n प्लस वन बाय टू का ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ये सब फॉर्मूलाज है। अभी इसमें अगर आप नोटिस कर रहे हो, देखो क्वेश्चन में ध्यान से देखो, अगर देखोगे तो 1 से 50 तक फर्स्ट नेचुरल नंबर है और ये 1 से 49 तक के, सही है ना, मतलब उल्टा बस लिखा हुआ है, फर्क नहीं पड़ रहा है ना 1 से 49 एंड 1 से 50 वाले नेचुरल नंबर से, तो नेचुरल नंबर ऑलरेडी दिए हुए आपको, बस क्या करना है उनको फॉर्मूल लगा देना है। n क्या हो जाएगा यहाँ पे 50 आएगा, n कितना आएगा 50 into 50 n plus 1 51 divided by 2 plus next वाला क्या आएगा तुम्हारा 49 plus 50 divided by 2, दोनों में से 50 by 2 कॉमन निकाल लेते हैं, कैलकुलेशन के लिए इजी पड़ेगा ना, 51 plus 49 तो इज इक्वल टू कितना आ रहा 50 by 2 into कितना हो जाएगा 49 plus 1 मतलब ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो 2 कैंसिल हो गया कितना हो रहा 50 हो रहा, 50 का स्क्वायर कितना आ रहा 5 × 5 = 25 2500 है क्या ऑप्शन है क्या, वेरी गुड 2500 विल बी द आंसर, 2 विल बी द राइट आंसर, आंसर 2 विल बी द राइट आंसर। देखो ये क्वेश्चंस अगर आपसे बन रहे हैं ना तो थोड़ा बहुत आपका प्रिपरेशन हो चुका है, अगर क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं बन रहे भाई आपको प्रिपरेशन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है राइट, ये बहुत बेसिक लेवल है, अभी थोड़ा इसका जो लेवल बढ़ने वाला है वो बाद में बढ़ेगा, ये पहला क्वेश्चन तो इजी डाला था, तो अगर बट ये नहीं अगर जम आ रहा है आपको तो आपको थोड़ा प्रिपरेशन बढ़ाना पड़ेगा, आप 4 आवर्स पढ़ रहे हो तो 6 आवर्स पढ़ो, 7 आवर्स पढ़ो, 7 आवर्स कर रहे हो तो और 2-3 आवर्स बढ़ा दो। देखो लास्ट 1 मंथ है यही आपके पास चांस है, ऑलरेडी बता देता हूँ MBA का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, नेक्स्ट 2-3 डेज में MCA का भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, होपफुली हो ही जाएगा, 1-2 दिन में नोटिस आ जाएगा उसका, वही 8 से 10 दिन रजिस्ट्रेशन चलेगा, उसका भी सेशन हम लेंगे कि फॉर्म कैसे फिल करना है एंड ऑल, सो डोंट वरी अबाउट इट। बट आप यही कि जो टेलीग्राम ग्रुप है या अपना कोंकर एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उस पर ज्वाइन रहो, या व्हाट्सएप ग्रुप भी बना के रखा हुआ है उसका लिंक भी दिया हुआ है मैंने, उस पर ज्वाइन करके रखो, जब भी सेशन होंगे जब भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आएगा, अभी देखो ये ऐसा है ना कि आपकी जर्नी अभी स्टार्ट हो चुकी है, अभी एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद कैप राउंड रहेगा, फॉर्म फिलिंग रहेगा, प्रेफरेंस फॉर्म रहेगा, लंबी प्रोसेस है, मतलब आगे के 3-4 महीने ये चलने वाला है जब तक आपको कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता ठीक है, या आप वापस रिपीट करने लगते हो अगर आपने पढ़ाई नहीं की तो, गिवन दैट मतलब 2 ऑप्शन है आपके पास, एक तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लो या वापस रिपीट कर लो, तो आपको डिसाइड करना क्या करना है ठीक है। टाइम आपके पास आराम से 1 महीने से पढ़ के एक अच्छे कॉलेज में जहाँ पे अच्छी प्लेसमेंट भी वहां पे एडमिशन हो सकता है, या सेकंड ऑप्शन है कि अभी 1 महीना भी वैसे ही वेस्ट कर दो जैसे पहले कर रहे होंगे,
बाद में जो कॉलेज मिल रहा है वो ले लो। लास्ट ईयर में देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे पॉजिटिव नेगेटिव मार्किंग नहीं होने की वजह से भी उनको 15 परसेंटाइल 20 परसेंटाइल आए थे, तो इतने स्कोर में तो एडमिशन होने से रहा। ठीक है, तो प्रिपरेशन कर लो अच्छे से। हमने जो कंप्लीट कोर्स है अभी देखो नेक्स्ट लेक्चर इसके जो होंगे वो क्यू स्टडी ऐप पे होने वाले हैं, ठीक है ना। क्यू स्टडी ऐप जो है नहीं नहीं भाई, 20 डेज पहले एडमिट कार्ड का जो कॉन्सेप्ट था ना वो पहले सालों पहले था, अभी 2 डेज पहले एडमिट कार्ड आ जाता है। ठीक है, 2 डेज पहले एडमिट कार्ड आ जाएगा, वापस बता रहा हूँ। देखो प्रोसेस जो होगा अभी 8 से 10 दिन चलेगा, 8 से 10 दिन आपका फॉर्म फिलिंग हो जाएगा और 25 और 26 मार्च को एग्जाम है। जिनका 25 को है उनका एडमिट कार्ड 23 को आएगा, ठीक है, और जिनका 26 को है उनका एडमिट कार्ड 24 को मिलेगा। ये भी बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत पहले नहीं आता है, अभी 1 से 2 से 3 दिन ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा 21 या 22 को आएगा। ठीक है, मतलब 20 के बाद ये आएगा, तो एडमिट कार्ड लेट आता है। इवन वो आपको चाहो तो वेन्यू या लोकेशन जो है आपका वो बता देंगे, बट कौन से स्लॉट में, फर्स्ट स्लॉट में या सेकंड स्लॉट में या रोल नंबर कितना है वो बाद में इंफॉर्मेशन आएगा आपका। ठीक है, अभी उन्होंने पूरा सॉर्ट आउट करके रखा हुआ है, वो सब ऐसे ही करते हो, ऑन दी स्पॉट आपको बताते हैं, क्योंकि ईमेल पे या आपके मोबाइल नंबर पे आ जाता है, तो जल्दी देना बंद कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो ये पूरा जो कोर्स है क्यू स्टडी ऐप पे हमने रखा हुआ है बच्चों। देखो इसमें पूरे अभी तक जितने लेक्चर्स हुए, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, सबके सब दिए हुए विद टेस्ट सीरीज है, ये भी ध्यान रखना। कंप्लीट मॉक टेस्ट बनाने का काम चल रहा है, 1 मार्च के बाद एक एक टेस्ट ऐड होता जाएगा इंटरवल पे। ठीक है, 10 10 तो हमने प्लान करके रखी हुई है, तो 10 मॉक टेस्ट आपको देंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो उससे ज्यादा भी देने का ट्राई करेंगे आपको। ठीक है, तो क्यू स्टडी ऐप पे आप जाके टेस्ट सीरीज देख सकते हो। अभी हमने एग्जाम 23 करके कोड बनाया हुआ है, एग्जाम 23, ठीक है, ये कूपन कोड यूज करके विल गेट द 60% ऑफ टिल रजिस्ट्रेशन हमने रखा हुआ है, तो आगे 1-2 दिन रहेगा ये कोड और, तो आप चाहो तो वहां पे जाके परचेस कर सकते हो। वहां पे 2 ऑप्शन से देखो, जिनको खाली मैथ्स करना तो मैथ्स का भी एक कोर्स बनाया हुआ है, तो वो कुछ 1500 के आसपास आपको मिल जाएगा, ओनली मैथमेटिक्स के वीडियो आपको वहां पे मिलेंगे। एक कंप्लीट कोर्स है, कंप्लीट कोर्स आपको 2800 के आसपास मिल जाएगा कुछ, और एक टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज आपको कुछ आई थिंक 300 के आसपास कुछ मिल रहा होगा शायद से, 280 रुपीज के आसपास, तो आप टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हो। उसमें प्रैक्टिस टेस्ट भी बहुत सारे, स्टडी मटेरियल भी है, मॉक टेस्ट भी हमने उसमें ऐड करने वाले लास्ट में। ठीक है, ऑलरेडी लास्ट ईयर के मॉक टेस्ट ऐड है, 15 करा दो, क्या 15 करा दो, पंद्रह दिन नहीं होगा, इतने जल्दी नहीं आता है एडमिट कार्ड। ठीक है, एडमिट कार्ड लेट ही आता है। और कुछ डाउट है एनीवन? मॉक, हाँ मैं ट्राई तो कर रहा हूँ, मतलब 10 तो मिनिमम दे रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि है, ऑलरेडी उसमें देखो लास्ट ईयर की भी एडेड है, ऑलरेडी 25+ मॉक ऐड है उसमें, वो भी याद रखना। लास्ट ईयर के जंबल टाइप के 10 ऐड किए हुए हैं, वो आपको तो मिलने वाले हैं, मैं इस साल के नए बोल रहा हूँ। ठीक है, लास्ट ईयर के ऑलरेडी आपके पास है, वो आप ट्राई कर सकते हो। नए तो मैं अभी जितने पॉसिबल है उतने ऐड करूंगा, अभी देखो ऑलरेडी 5 हमारा अभी काम चल रहा था 2-3 दिन से, क्वेश्चंस अच्छे से निकाल के हमने 5 बना दिए। ठीक है ना, तो वो भी कर देंगे। ठीक है, वो दे चुके हैं, ओके चलो ठीक है, आई विल ट्राई फॉर 15, नो इश्यू, अब तुमने बोला ही तो ट्राई करेंगे ऑफकोर्स। ठीक है ना, 15 के लिए ट्राई करेंगे, चलो कोई इश्यू। ठीक, चलो ठीक है, यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, एनीवन? विल कंटिन्यू इन फ्रॉम टुमारोज लेक्चर, कल से जो लेक्चर होगा जूम लिंक पे होगा। जो लोगों ने कोर्स परचेस किया हुआ है बट व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है, प्लीज मैसेज मी पर्सनली, मैसेज कर दो, मैं आपको जूम लिंक दे दूंगा, आप वहां पे ऐड हो जाओगे तो वहां पे लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे, आज का सेशन यहाँ पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट सेशन से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू, जो भी डाउट है चैनल को सब्सक्राइब करो और बाकी लोगों को भी भेज दो, तो उनका भी फायदा हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि कैप के लिए भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो कैप का भी आपको प्रॉपर जो सेशन से वो हम रेगुलरली लेते रहते कि फॉर्म कैसे फिलिंग करना है, कौन से ऑप्शंस डालने हैं, कॉलेज का लिस्ट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो वो भी आपको आगे हेल्प होती रहेगी। ठीक है, चलो बाय एवरीवन, चलो बाय, गुड नाइट।